कोई जीत तो कोई आरो मारे कोई ना बोरी गिरवावे। काम तो कोई सरकार ना करे जी, वोट तो देनी है किसी की भी दे दो। अपनी तरफ से तो बनाया है, हम तो बनाया है भाई, मारा हक है वोट देने का, लेकिन पब्लिक बदलाव चाहती है। वो तो पिछले 10 सालों में देख रखा है जैसा काम हो रहा है, आने वाले टाइम अब देख लेना। जो काम करेगा वो अच्छा चला होगा, काम नहीं करेगा तो पब्लिक बदल देगी इसको। तो इस समय हम लोग गढ़ी सांपला विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ है, यह सेठ कंटूमल बंसल द्वार, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बना हुआ है। कुछ लोग हैं मतदान करके आ रहे हैं, क्या कैसा है, लोग भीड़ भाड़ है, लोगों बहुत अच्छी भीड़ है, बहुत बढ़िया है, काफी धूप पड़ रही, जुटे हैं लोग, फुल जुटे हुए हैं। और तकरीबन ज्यादा से ज्यादा वोटर आके हुड्डा साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अच्छा, यहाँ माहौल बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, फर्स्ट क्लास। किस वजह से हुड्डा साहब को समर्थन कर रहे हैं? आ जाइए। हुड्डा साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 साल ने बीजेपी ने हमारी प्राण मट्टी कर रखी थी। अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए कर रही है। और हमने तो ये एक एक वोट आगे जितने भी है सारे डाल रखे आ रहे हैं तकरीबन सारे। आपका क्या समझा है, आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत है, बड़ी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बूथ पे जाके आए हैं, देख के आए हैं, बहुत अच्छा है। और ये जो कह रहे थे अभी, ये सच्चाई है, यहाँ पे कांग्रेस की आंधी चल रही है, आंधी सब कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। इसलिए कि वो आपको लगता है मुख्यमंत्री रह चुके हैं दो बार, ये भी कारण। और दूसरा कारण ये है कि हुड्डा साहब यहाँ के सारे आदमियों को अपना परिवार परिवार सब मेन रीजन ये है, मुख्य आदमी सब धन्यवाद और लोगों से पूछते जाएंगे, दिल से प्यार करते हैं। जी जी, थैंक यू। वोट डालने? नहीं जी, पहले करके डाल गए, अब मैं आया हूँ। परिवार के साथ नहीं आया, परिवार पहले डाल गए वोट? हाँ जी। चलो माता जी, वोट डाली? बिल्कुल। कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी अगर तुम आन जान की सुविधा कर देते और बल्ले बल्ले थे, लेकिन आप डाल आई वैसे तो सब साफ। मैं डाल आई, फिर तो भाई कोई दिक्कत है नहीं, जागरूक लोग है, अपनी वोट जरूर डालते हैं, कुछ हो जाओ। सांपला एक कई करना। माता जी क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर वोट डाला, क्या मन में आया कि किस वोट दें? देखो भाई, हम ये तो नहीं बताऊंगे, बताना नहीं है, मन में क्या था, क्या मन में ये आया है भाई, उसी को वोट दे जो हमारे सांपले का या हमारे देश का या हमारी हर एक चीज का ध्यान रखे, गतिविधियां का, बड़े बुजुर्गों का, यंग का, नौकरियों का, पैसों का, हर एक चीज का ध्यान रखे। अभी तक की सरकार ने रखा ध्यान? मैं बताऊं, ध्यान तो भाई देख, हम तो मारे बच्चे लगेंगे तब जानेंगे, तब जानेंगे। बताइए आपके दिमाग में क्या मुद्दा, वोट डालते समय मुद्दा तो ये है, चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इतने साल हो गए, एक रहा तो विधायक रहा तो क्या, चेंज तो होना चाहिए कुछ भाई। माता जी, आपका क्या दिमाग में चला जब आपने वोट डाला? हमारे दिमाग में है, एक तो सांपले में सारी सुविधा होनी चाहिए, भाई पानी की भी सुविधा कम है, लाइट की भी सुविधा कम है, सफाई की भी सुविधा ये कम है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका देखो, मेरे को सरकार जिम्मेवार होगी, जिम्मेवार और कौन होगी, कमेटी जो बन गई है। अभी अभी जो विधायक है वो नहीं जिम्मेदार है? नहीं, वो कोई नहीं करवाते, नहीं हमारे तो ठेका दे रखा कर नाले तेन के जा उसके वोट पड़ेंगे, इतना है, बाद में कुछ नहीं है, कोई किसी को आपने वोट डाल दिया, भरोसा नहीं है, कर्तव्य निभाया, हम अपना कर्तव्य निभा, हम सब अपने कर्तव्य निभाओ, आपका परमात्मा। बहन जी, आपके दिमाग में क्या है जब आप वोट डालने जा रही है कि महिलाओं की सुरक्षा रक्षा है सरकार में, नहीं हुई इस बार कुछ? मैं तो एक ही बात सोचती हूँ कि सांपले में हम रहते हैं, सांपले में वोट दे रहे हैं जिसको भी जी। तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको अच्छा बनाए, सबको हर तरह से सुविधाएं दे, जैसे पानी की, सफाई की। अभी जो विधायक उन्होंने किया ऐसा मुझे नहीं लगता किया नहीं किया। कौन विधायक है अभी? अभी हुड्डा जी। हाँ, हुड्डा जी तो अभी इलेक्शन में मतलब इनको वोट देंगे। वो तो 3 बार से विधायक है। हाँ, 3 बार तो आपको जो जैसे, तो हमें तो नहीं लगता कि ज्यादा, जैसे कि हम लोगों को जैसे चाहिए सफाई वगैरह सुविधाएं, जैसे पानी की सुविधाएं और वो सब
इतना नहीं हो पा रहा। आप वोट डाले हैं जा रही हैं डाले जाइए जाइए, मैंने आपको बीच में रोक लिया। कोई बात नहीं, बच्चे बनवाने गए। भाई साहब आपने क्या वोट डाल दिया? अभी नहीं डाल दिया जी, परिवार डाले आए वोट, अभी अकेले आए हैं। अभी तो अकेले हैं जी, बात याद है। क्या है दिमाग में आपके, आप वोट डालते समय क्या क्या सोचा? कोई जीत तो कोई हारो, मारे कोई ना बोरी गिरवा। अच्छा, हमने मेरा फर्ज था, उन्होंने वोट गिर दी, जो जीता वो बाद में गिर पड़ा। क्या है दिमाग में वोट डालते समय, क्या क्या सोचते हो, क्या हो जाए? युवा बच्चे जो इतने बेरोजगारी में आने के बाद और जितने गुंडा राज के अंदर घुस चुके हैं, उन चीजों से हमारे को हर चीज का बदलाव करवाना है। 10 साल में जितना गुंडा राज बढ़ा है, उस चीज को बदलाव के अंदर कांग्रेस पूरे पक्के वाले। बिल्कुल, ओके ओके ओके। बाबू जी आप डाल दिया वोट? डाल दिया। तो जब बाबू जी आपने वोट डाला, आपके बच्चे भी हैं, परिवार है पूरा, पूरे परिवार ने डाला, तो दिमाग में क्या आता है कि हम वोट क्यों दें? क्या ऐसा, कौन ऐसा सही है, क्या काम होना चाहिए? बीजेपी को देख लिया, कोई काम ना हुआ, गुंडागर्दी है, कोई काम नहीं हो रहा हमारे साथ। अच्छा, इसलिए हम बदलाव चाहिए सरकार। आप बदलाव चाहते हैं। आपने डाल दिया वोट? क्या था मन में वोट डालते समय? अरे बड़ा निर्णय लेना होता है कि सरकार बन जाएगी। डाल दिया सर, हम तो दोबारा बीजेपी सरकार बना रहे हैं। अगर खर्चे बगैर प्रतिजो का नाम नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, गरीब आदमियों के बच्चे लग रहे हैं, तो फिर एक बात बताना, वोट तो उसी को अधिकार है। अच्छा, डालने का उसी को अधिकार है जो नौकरी दे रहे बगैर खर्ची पर्ची। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी ने काम किया है? बीजेपी ने काम किया है और काम भी करेगी आने वाली इस 5 सालों में, भी देख लियो जरूर। बहन जी आप वोट डाले या जा रहे हैं वोट डालने? डालिया है। तो आपने जब वोट डाला तो ऐसे होता है कि हम वोट डाले, बड़ा ये बड़ा, जब डालते समय एकदम ऐसा मन हो जाता है कि सरकारी हम बना रहे हैं, ऐसी तो होता है ना। तो उस समय आपके मन में क्या आया कि मैं वोट क्यों दूं? कौन ऐसा है जिसने ये कर दे वो कर दे, क्या आपकी जरूरत? सफाई का हो, बिजली का हो। बिजली का तो अभी आ रही बिजली नहीं, कटती है बहुत ज्यादा, कटती है। तो अभी आपने वोट दिया तो जो जैसे मौजूदा सरकार पे आप क्या मानते, कुछ काम करा है नहीं करा है? करा है, करा है इस तरीके से। बाबू जी आप भी डालिए वोट? आपने डाल दिया वोट? क्या रहा मन में डालने वोट समय, क्यों डाल दूं, क्यों डाल रही हूँ वोट, क्या होना चाहिए, कुछ आया दिमाग में? प्रोग्रेस होनी चाहिए ना अपने देश की। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? ये तो बीजेपी कर सकती है, बीजेपी कर सकती है। तो ये अलग अलग है लोगों की राय, बिल्कुल जो यही है लोकतंत्र। डालिया भाई साहब वोट? क्या रहा मन में? तो मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि वोट डालते समय, वोट डालते एकदम आता है यार ऐसा कुछ कर दे, हमारा सुधार हो जाए, अच्छा हो जाए, जो कर रहा है तो उसी को, दोनों तरह की बातें हो सकती है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ को लगता है जिसने किया इसको और मौका देना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या आया? बस यही आया कि किसी अच्छे को चुने जो सारे काम करता रहे, और जो भी है अच्छे को चुनने का। अभी तक तो 3 बार से विधायक चुने गए यहाँ से। हाँ जी, एक है तो वो जो भुड्डा साहब और सरकार है बीजेपी की, तो दोनों तरह तो सोचते हैं कि एक तो सरकार के नजरिए से वोट देगा, एक ही यार यहाँ के विधायक नहीं से वोट देगा। तो आप क्या लगता है क्या सोचना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि जो सेंटर में सरकार है उसी के नजरिए से देखना चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं, सब नहीं करते। आपका आपका दिमाग में क्या रहा? बस यही रहा कि अच्छे को चुने, अच्छे को चुने। एक बहन जी आपके दिमाग में क्या रहा? तो कोई अच्छी नहीं, कोई अच्छे नहीं, वोट डाल दिया बस। हाँ, डाल दिया जिम्मेदारी के तौर पर, डाल दिया। अच्छा करो बुरा करो जो उनकी मर्जी, आप अपना निर्णय दिया है। अपना निर्णय दिया। देखो बेटा तुमने भी वोट डालने देखा, जानते देखने आया, देखने आया। आप रुक जाइए, आप लोग से परिवार के साथ वोट डालते ही है, कई बार एक सा मन हो जाता है, थोड़ा सा भी होता है, लेकिन हालांकि अलग अलग भी दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब वोट डाला, चूंकि बच्चा छोटा है, इसका भविष्य भी है, तमाम चीजें हैं, तो क्या लगता है कि जो मौजूदा यहाँ पर विधायक हैं 3 बार से और 2 बार से सरकार है हरियाणा में, एक पार्टी बीजेपी की पार्टी की, कांग्रेस के यहाँ 3 बार से विधायक, तो क्या लगता है यहाँ पे काम हुआ या नहीं हुआ? काम तो कोई सी सरकार ना करे जी, वोट तो देनी है किसी की भी दे दो। अच्छा ऐसे देते हो आप? और क्या, वोट तो देनी है किसी की दे दो। काम के भैया 10 साल भी जा रहे वोट डाल, यार राज किया, क्या काम करा दिया सापला में, कोई काम ना होया। किसने? 10 साल बीजेपी ने राज किया है। हाँ, तो क्या काम किया? कुछ भी ना किया। नौकरी वोट देनी है पब्लिक ने, वोट देने लग रही है। अच्छा,
ताओ क्या लगा दिमाग कि कैसे कैसे वोट दूं, कि जो काम कर रहे हैं अभी, जो जिनकी जो सरकार काम कर रही है या जो विधायक का काम कर रहे हैं उनको दूं या क्या बदलाव करूं, क्या दिमाग में आया? बदलाव था जी, कांग्रेस को चाहते हैं। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं, तो यही हम लोगों से जानना चाह रहे हैं। आओ जी, आप भी डाल के आ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जाते समय ना लोगों जो डाल के आऊँ उनसे लोग, क्या लगता है कि जो वोट डालते समय दिमाग में एक विचार आता है, तो आता है वो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी का विचार आता है कि हमारे ये सरकार बन रही है। हाँ, ये तो आता है जी। तो सरकार बदल डाल रहे हैं, बना डाल रहे हैं, क्या कर डाल रहे हैं? वो तो अपनी तरफ से तो बना दी। अच्छा, अपनी तरफ से तो बनाया है, हम तो बनाया है। क्या लगता है कौन जो है काम कर सकता है? वो तो पिछले 10 सालों में देख रखा है जैसा काम हो रहा है, आने वाले टाइम अब देख लेना। नमस्कार बाबू जी, वोटिंग के लिए समय निकाल लिया, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र की आप वोट दे रहे हैं। तो बाबू जी, आप वोट देने आए हो, जाहिर सी बात जोश है तभी देने आए हो, तो जोश क्यों है? ये भाई मारा हक है वोट गिरने का, वोट गिरने का हक है, हक है। और ना हो, हाँ नहीं वो तो है। तो जब काम होता है, सरकारें काम करती है, आपको लगता है आपने जो चुन रहे हैं उसको सही चुनने जा रहे हैं? कौन कौन सही काम करता है लगता है आपको? नहीं ये तो बताओगे आगे चाल। हाँ। अभी तक तो ये सरकार देख ली, आगे आओगी वो सरकार ने देखेंगे। अच्छा, कौन अच्छा है कौन है बुरा है? जो मोदी सरकार देखी कैसी लगी वो? वो ठीक है, हमने किसी से वो नहीं है जी, जो काम करेगा वो अच्छा कला होगा, काम नहीं करेगा तो पब्लिक बदल देगी इसको। बाबा जी पूरे डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, जबरदस्त। आप भाई साहब वोट डालने जा रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? डालते समय दिमाग में चल रहा है क्योंकि बार चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए जी, बिल्कुल। 10 साल इनको मौका दे दिया, अगली बार और चाहिए 5 साल। तो ऐसा साफ जवाब भी आ जाता है बाबूजी ने, जो अब जाहिर सी बात अनुभवी है तो उन्होंने अनुभव वाला जवाब दिया। आपके दिमाग में क्या चला? वोट डाल दिया आपने? आप भी साथ में ही है? आई आई ना, अभी महिलाओं का भी पता चले तो और अच्छा लगता। आइए आगे आ जाइए, थोड़ा सा रास्ता भी बना रहेगा, आप भी आइए बाबूजी। तो आपने जब वोट डाला तो क्या लगा? जिम्मेदारी का तो एहसास होता ही है, सरकार हम सरकार बनाते हैं, उसके निर्णय हम पे आ ही जाते हैं, हम चुने या ना चुने। तो क्या लगा, किस तरह का काम अभी की सरकारों ने किया है, किस तरह की जरूरत है निर्णय लेने? काम तो किया है, काम तो आगे भी होगा, पहले भी हुआ है, लेकिन पब्लिक बदलाव चाहती है। अच्छा, बदलाव किस में चाहती है? ये आपका विधायक कांग्रेस का है, 3 बार का सरकार जो है बीजेपी, ये चाहते हैं हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आई। अच्छा, आप इस तरह का बदलाव चाहते हैं, आप सहमत हैं इनसे या आपका कुछ अलग विचार है? यही विचार है हमारा तो, कि भी कुछ ना कुछ चेंज हो सरकार में, थोड़ा चेंज। आप कुछ 10 साल सरकार हो गई इसलिए चेंज चाहते हैं कि ज्यादा मौका दे देंगे? विधायक ये कहते हैं ना जी, इस राज्य में सरकार नहीं हमारी, हम क्या करें? आपके विधायक ये कहते हैं? हां, दो बार तो बन चुके हैं, आप कहते हैं लो भाई सरकार भी ले लो, सरकार भी फिर तो करके दिखा दो, आप तो करके दिखा, मतलब बहाना ना रहे, बहाना ना। तो हुड्डा जी को लगता है हुड्डा जी बहाना बनाते हैं कि सरकार नहीं, हर एक की है, जो भी जहाँ से विधायक होता है क्या करे, माले रोहतक से है, भाषण बत्रा थे पहले भी, वे तो उनका भी ऐसे ही था। अच्छा, रोहतक में ज्यादातर कांग्रेस के विधायक हैं और उनको विकास नहीं होता, कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें? तो आप कह रहे हो कि भाई लो सरकार, सरकारी लोग की बात, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसा आपने कर दिया तो ये तो उनके लिए गिफ्ट हो गया फिर, आप काम भी नहीं कर रहे और आप उन्हें वोट भी दे रहे हो कि लोग सरकार भी ले लो, आप भी सहमत हो? क्या इस तरह की बात होती है? जनता चाहती है कोई बदलाव हो, 10 साल के बाद जो है जनता। आप सब एक ही परिवार से हो तो आप लोगों ने एक सा मन बन गया घर में, तो ये है परिवार में भी चर्चा। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन वोट तो जो है तो इस तरह के विचार भी आते रहते हैं परिवार में कि तो ये कितना अजीब, कितनी अलग टाइप की बात है कि एक विधायक जो है 3 बार से हैं और भी विधायक हैं, वो कह रहे हैं काम हम नहीं कर पा रहे, सरकारी तो लोग कर रहे, सरकार जो इस तरह की चीज़ों पर वोट हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। देखिए, जो लोकतंत्र का पर्व है और उसकी जो जिम्मेदारी वोट डालने की, तो हैं कुछ अपना समय निकाल के कुछ तकलीफ में भी दिखाई दे रही है, लेकिन नहीं कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो बताइए, आपको वोट डालने आई हैं इतना जिम्मेदारी से, बेटे को साथ परिवार के साथ, मैं सही बोल रहा हूँ बेटे? हाँ, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला। तो वो जिम्मेदारी आई तो ये कैसे दिमाग में आया कि वोट डालूं, क्या करना चाहती, किसको बनाना चाहती है? वो तो अपन मतलब तो भाई बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है, काम हुआ है सरकारों में? अभी हो रहा है, ऐसी बात तो है नहीं, सरकार ने काम किया, विधायक ने काम किया है, जो भी हो रहा है काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, बदलाव की जरूरत नहीं, मौका देना चाहती है फिर?
अभी जो चल रहा है उसी को मौका देंगे। जैसे सबसे पूछ रहे हैं वैसे इनसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप मुखिया और परिवार के आपसे ही पूछ रहे हैं, तो आपने जो जब वोट दिया तो क्या दिमाग में आया कि जो हो रहा है सही हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरह के सुधार की जरूरत है अगर है तो? देखो सुधार की तो जरूरत है सर, बीजेपी सरकार काम कर रही है वो अच्छे कर रही है। अच्छा, और उसमें कुछ कमियां हैं जो आने वाले टाइम में हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो पूरी करें। अच्छा, आपको भी सहमत है या सामने पति हैं तो उनके हाँ में हाँ मिला दे? सहमत है जी, सहमत है। बेटा आपको क्या लगता है, आप तो युवा हो, आपको मौके होके मिले? ये बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, अच्छे काम कर रही है वो। अच्छा अच्छा, ओके थैंक यू। मैं अपना सांपला नगर पालिका वार्ड नंबर 2 से पार्षद हूँ राजेश। अच्छा, आप पार्षद भी हैं? बीजेपी से ही हूँ। अरे फिर तो आप बीजेपी का पूरा गुणगान वाले हैं। गुणगान वाली बात नहीं सर, जो काम कर रही है अच्छे कर रही है सर। अच्छा जी हाँ, और सरकार भी बीजेपी की आएगी हर तरह से। नहीं, कई लोग कह रहे हैं मतलब गंदगी वंदगी, पार्षद इसलिए पूछ ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सड़कों को की समस्या है, नाले वाले पानी बह रहा है, सरकार पानी की भी समस्या कोई नहीं है और साफ सफाई की भी कोई समस्या नहीं है, जो कि नगर पालिका अपनी पूरी तय दिल से लगी हुई है। यहाँ से 3 बार से बुड्ढा साहब बन रहे हैं विधायक, आप नहीं बना पा रहे हो अपना, क्या बात है? अब की बार हमारी तरफ से जो है बीजेपी की ही बनेगी जी, मंजू हुड्डा। मंजू हुड्डा बनेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी। चलो और लोगों से आने वाली 8 तारीख को पता लग जाएगा सबको वाकई में। आपको तो बने, आप तो पार्षद निकले हैं, वोट भी डाल लो, अच्छी बात है। तो मैं और लोगों से ही पूछता हूँ। आप भी रुकिए ना, परिवार के साथ डाल रहे हैं, तीनों लोग तो बड़ा अच्छा लगता है सब परिवार के साथ, क्योंकि मतदान बढ़ना चाहिए। डिसीजन हम सबसे अच्छी चीज ये होती है कि लोग वोट डाल रहे हैं, पर डिसीजन सबका अपना अपना हो सकता है। तो आपको, आपने जब वोट डाला तो आपके दिमाग में, जैसे मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि बड़ा जब चले जाते हैं ना वोटिंग, मुझे तो लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए। तो क्या लगता है कि कौन कर सकता है विकास, या हुआ है नहीं हुआ है, किस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में आए? विकास तो सर देखिए होता रहता है कि एक प्रोसेस है, किसी भी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई भी गवर्नमेंट आए स्ट्रिक्ट से चलने वाला प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। पर कुछ में ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट उसको ज्यादा पुश करती है, कुछ लोग मोटिवेट करती है, ये सिस्टम होता है। तो अभी क्या लगता है, विकास हुआ है पिछले कुछ समय में? नहीं, जो सब नेचुरल नॉर्मल काम है पब्लिक के लिए, एक पब्लिक के नेचुरल नॉर्मल काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, वो ईज ऑफ ऑनलाइन होने का से। अच्छा, मतलब ऑनलाइन जो हुआ उससे आपको लगा? आपको क्या लगता है बेटा कि मतलब ये सरकार जो मौजूदा चल रही है वो है, बदलाव की जरूरत है, अभी कई काम बताए, किस तरह की चीज जरूरत है और वो हुआ भी है बीजेपी सरकार में? अच्छा, आपको लगता है बीजेपी सरकार ने बदलाव कर दिया है? बीजेपी का भी रोल है, मगर ये ऑनगोइंग होने वाला प्रोसेस है, ये समय नेट का समय है। लेकिन आप लोगों का डिसीजन ही तो तय करेगा कौन कर पाएगा, आपके वोट से ही मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, जो हटी है एक अलग स्टेट का मिला हुआ था उसको। अच्छा, वो नेशनल मुद्दों को भी आपने ध्यान में रख के यहाँ वोट दिया है अपने हरियाणा के? देखिए जो इंटरनल तो अपना होता रहता है, पर्सनल है, ये जो अपने क्षेत्र को लेके है वो तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, और इसमें इतना देश जरूरी है पहले। आपकी भी राय सहमत लग रही है? हाँ जी, देश जरूरी है, ये आसपास राज्य और स्टेट तो कुछ मैटर नहीं करता, देश ग्रो होना चाहिए तभी तो स्टेट ग्रो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक परिवार में थोड़ा थोड़ा राय मिलके बन गई, लगभग था लेकिन थोड़ा लग गई। तो इस तरीके से हमने कई लोगों से बात की, विभिन्न राय हैं, निश्चित तौर पे जब मतदान हो रहा है तो विभिन्न राय हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लोग स्थानीय मुद्दों पे दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सड़क पानी ये वाला मुद्दा है, कुछ लोगों के लिए यह मुद्दा है कि जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जो यानी कि मैं इनकी बातों से जो भी मेरे साथ इनका मतलब नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने जैसी बात लगी। तो दोनों चीज़ें हैं, अब सवाल ये है कि ये कितना परसेंट सोचने वाले क्या लोग हैं उसी हिसाब से डिसीजन। यहाँ ईवीएम में बटन दब रहा है और 8 तारीख को इसका परिणाम आएगा। हम और जगह भी जाते रहेंगे, छोटे छोटे सैंपल हैं, इससे एक आदमी के दिमाग की मंशा पता लगती है, वो जाते समय क्या सोच रहा है, कौन से मुद्दे चुनाव में काम कर रहे हैं। किसी के लिए नौकरी का मुद्दा भी है, खर्ची पर्ची की भी बात आई, कोई कहता है नहीं भाई हमारे लिए हमारे इलाके का बंदा मुख्यमंत्री कैंडिडेट है उसे देंगे, दोनों चीज़ें काम कर रही, पर इसमें किसका क्या परसेंटेज ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस जगह से गढ़ी सांपला से इतना ही।